नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल होममेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक सैंडविच की रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच। इसे घर में बच्चे से लेकर बड़े सभी खाना पसंद करते हैं और इसे बनाना बेहद आसान है। तो आइए, चलिए देखते हैं इस स्वादिष्ट ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच को हम कैसे बड़ी आसान तरीके से बना करके तैयार करते हैं। इसे बनाने के लिए ये आधा कटोरी मैंने बॉयल्ड स्वीट कॉर्न ले लिए हैं, साथ में कुछ चीज़ की स्लाइसेस ली हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लीजिएगा। ये दो लाल टमाटर लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है, बीच में जो बीच वाला पोर्शन है वो हटा दिया है। साथ में एक प्याज लिया, उसे भी मैंने देखिए इस तरीके से बारीक कट करके ले लिया है। ये एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। ये मैंने कुछ वाइट ब्रेड ली हैं, आप सैंडविच को और हेल्दियर बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। अब एक बॉल में मैंने सभी सब्जियों को स्वीट कॉर्न, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च डाल दी है। अब स्वाद के अनुसार चौथाई चम्मच नमक और चौथाई चम्मच काली मिर्च डाल करके इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है, देखिए इस तरीके से। फिर मैं याद दिला दूँ, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करें। आप सब्जियों में शिमला मिर्च, गाजर और भी कोई सब्जी घर में आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ये दो ब्रेड की स्लाइस ली हैं और देखिए ये चीज़ स्लाइस है, इस तरीके से पॉलीथीन में पैक आता है। इसे मैं निकालूंगी और ब्रेड के ऊपर इस तरीके से रख दूंगी। अब चीज़ स्लाइस के ऊपर जो मैंने सब्जियों में नमक मिर्च मिलाकर रखा है उसे इस तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। देखिए इस तरीके से चारों तरफ मुझे सब्जी को अच्छी तरह से लगा देना है। उसके बाद इसके ऊपर एक चीज़ स्लाइस और रख दूंगी और उसके ऊपर मैं ब्रेड लगा दूंगी। देखिए इस तरीके से ब्रेड लगाने के बाद इसे अच्छे से प्रेस कर दूंगी ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाए। देखिए दोस्तों, ये ग्रिल पैन है, इसके ऊपर एक चम्मच प्योर घी डाल दूंगी और जो सैंडविच हमने भर के रखा है उसे ग्रिल पैन के ऊपर रख दूंगी, हल्का सा प्रेस कर दूंगी। ऊपर से एक चम्मच घी ऊपर भी लगा दूंगी, यदि आपके पास बटर है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे एक तरफ से गोल्डन क्रिस्प होने तक हमें सिकने देना है। एक तरफ गोल्डन क्रिस्प सिकने पर हम इसे फ्लिप कर देंगे। देखिए कितने सुंदर ग्रिल के निशान आए हैं और दूसरी तरफ से भी इसे इसी तरीके से गोल्डन क्रिस्प लो टू मीडियम फ्लेम पर सिकने देंगे। देखिए दूसरी तरफ से भी हमारा सैंडविच गोल्डन क्रिस्प सिककर तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बड़ा ही शानदार ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। आइए मैं सैंडविच को कट करके दिखाती हूँ। देखिए ऊपर से क्रिस्प और अंदर से कितना क्रीमी चीजी सैंडविच बनकर के तैयार हुआ है। गर्मा गर्म ग्रिल सैंडविच को आप सॉस के साथ सर्व कीजिएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आइए मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। वाओ, सुपर क्रिस्पी चीजी सैंडविच बनकर के तैयार हुआ है। इसके टेस्ट का कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, आप भी ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच बनाइएगा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।